Students, welcome to video number 7, and it is the last topic of unit 3 data science. In this video we are going to discuss about the clustering, then k-mean clustering and association rule. So first we understand what is the clustering. So basically clustering is the task of dividing the population of data points into a number of groups such that data points in the same groups are more similar to other data points in the same group. Basically, clustering is nothing but group of objects in such a way that all members are associated to each other. In another words, we can also say that clustering is grouping of similar type of object. Clustering is one of the most common used techniques for the data analysis purpose, and it can be defined as the task of identifying subgroups in the data such that data points in the same group, known as clusters, these subgroups are known as clusters, are very similar, while data points in the different clusters are very different. They must be taken to their relevant clusters. Clustering analysis can be done on the basis of features. There are a certain kind of features available, and based on that features we have to identify the subgroups of the data. So clustering is a machine learning technique that involves in the grouping of data points. The data points of same group should have a similar properties or features. So jo data points hain ya jo isko hum same grouping keh rahe hain, clusters jisko hum keh rahe hain, wo similar properties ya similar features ke points ka ek collection hai, jisme based on their features hum iske clusters ya groups banate hain. Clustering is a method of unsupervised learning. Unsupervised learning एक तरीके की machine learning techniques है, जिसमें हमें ये नहीं पता होता है कि हम कितने groups बनाएंगे या हमारा expected outcomes क्या होंगे. इसके अलावा जो दूसरी learning techniques use होती है, जिसको हम कहते हैं supervised learning techniques, उसमें हम machine को इस तरीके से train करते हैं कि मुझे पता है कि output क्या आने वाला है. For example, यदि मैं बात करूं कि 2+2 क्या होना चाहिए, तो मुझे पता है कि इसका आंसर 4 होना चाहिए, बट हम मशीन से ये जनरेट करवाते हैं कि वो इस 4 के नियरेस्ट कितना एक्यूरेट आउटपुट जनरेट करवा पा रही है. जबकि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम ऐसी किसी स्कीम्स में काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें हमें ये पता ही नहीं होता है कि रिजल्ट्स क्या आएगा, कुछ भी रिजल्ट्स आ सकता है. तो ये जो क्लस्टरिंग्स है, ये बहुत कॉमन टेक्निक्स है फॉर द स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस के लिए, जो कि बहुत सारी फील्ड्स में यूज हो सकती है. क्लस्टरिंग को समझने के लिए एक सिंपल छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. इस डायग्राम में हमने 3 कलर के अलग-अलग पॉइंट्स लिए. ये जो कलर्स हैं, आप इनको ऐसे फीचर्स या प्रॉपर्टीज समझ सकते हैं. तो जो सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टीज वाले डेटा पॉइंट्स हैं, वो एक साथ आने चाहिए. जैसे यहां पे बात करें तो ये जो प्लान है, ये जो क्लस्टर है, ये सिमिलर टाइप्स की प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है. ये जो क्लस्टर्स है, ये किसी और सिमिलर टाइप के डिफरेंट डेटा फीचर्स को शो कर रहा है. ये जो क्लस्टर है, ये भी अलग तरीके के एक बिहेवियर को शो कर रहा है. तो हमें जो पूरा अवेलेबल डेटा पॉइंट्स है, उनको इसी तरीके से ग्रुपिंग्स करनी होती है, और क्लस्टरिंग का काम यही होता है कि अकॉर्डिंग टू फीचर्स जो है वो सिमिलर टाइप के ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करें. अब हम बात करते हैं k-mean क्लस्टरिंग की, जो कि एक तरीके की क्लस्टरिंग टेक्निक्स है. सो k-mean क्लस्टरिंग इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड पॉपुलर अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम. टिपिकली अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में k-mean सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और ये बहुत सारे डेटा सेट्स को सपोर्ट्स कर सकती है. यदि हम इसके क्लस्टर्स की बात करें, तो कलेक्शन ऑफ डेटा पॉइंट्स जो कि एक साथ हैं, एक सर्टेन सिमिलैरिटीज के साथ एक ग्रुप में हैं, उनको हम यहां पे क्लस्टर्स कहते हैं. यहां k-mean एल्गोरिथम में जो k है, वो नंबर ऑफ सेंट्रोइड्स
को आइडेंटिफाइड करवाता है। यहाँ पे जो हमने ग्रुपिंग्स की बात करी थी, यदि हमने प्रीवियस एग्जांपल की बात करें तो हमारे प्रीवियस एग्जांपल में ये पूरा हमारा एक क्लस्टर है, मगर इस क्लस्टर का सेंट्रोइड कहाँ होगा? मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर एरिया इस क्लस्टर का सेंट्रोइड होना चाहिए। तो के मीन क्लस्टरिंग में के रिप्रेजेंट करता है कि आपके नंबर ऑफ क्लस्टर्स में जो सेंट्रोइड्स हैं वो कितने होंगे, या सिंपल शब्दों में बात करें हम कितने क्लस्टर्स बनाएंगे। मींस का मतलब है कि एवरेजिंग ऑफ द डेटा, जो हम सेंट्रोइड को आइडेंटिफाई करने के लिए ले रहे हैं, तो उसका सेंट्रोइड जो होगा वो पूरे क्लस्टर्स का सेंटर होगा। एल्गोरिथम की बात करें तो इसकी एल्गोरिथम बहुत ही आसान है, सिंपल है। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ क्लस्टर्स हम कितने बनाना चाहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये के की वैल्यूज गिवन होती है जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, मगर यदि हमें ऐसी कोई वैल्यू गिवन नहीं है देन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दी वन। पहले हम वन क्लस्टर के लिए देखेंगे, वो देखेंगे कि ऑप्टिमल सॉल्यूशंस मिल रहा है नहीं, फिर हम क्लस्टर टू पे जाएंगे, फिर हम ऑप्टिमल सॉल्यूशंस चेक करेंगे, फिर क्लस्टर थ्री के लिए जाएंगे, और ऐसे तब तक करते जाएंगे जब तक हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशंस नहीं मिल जाता। बट प्रेफरेबल ये रहेगा कि आप के को एक वैल्यू के साथ लेके चल लें, अदरवाइज आपकी ये प्रोसेस जो है वो काफी लेंदी हो सकती है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई हम कितने क्लस्टर्स के साथ जा रहे हैं, देन हम इनिशियलाइज करेंगे सेंट्रोइड्स को बाय फर्स्ट सैंपलिंग ऑफ डेटा सेट। हम डेटा सेट पे जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें कोई भी नंबर ऑफ के, सपोज मैंने के इक्वल टू 2 लिया, तो मैं दो एक रैंडम पॉइंट्स चूज कर लूंगा जिसको मैं सो कॉल्ड सेंट्रोइड बोलूंगा। यानी मैं ये मान के चलूंगा कि ये जो दो पॉइंट है ये सेंट्रोइड है, ये रैंडमली कहीं पे भी हो सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि इन जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के साथ हम बाकी सारे जो डेटा पॉइंट्स हैं उनकी डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बोथ दी सेंट्रोइड्स। ये दो सेंट्रोइड्स हमने के की वैल्यू से लिए हैं, और हम हर एक डेटा पॉइंट की जो है वो स्क्वायर्ड डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे बिटवीन दी सेंट्रोइड्स। स्क्वायर डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला जो है वो ये होता है, डिस्टेंस डी बिटवीन, यदि दो पॉइंट एक्स और वाई हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उन दोनों के डिफरेंट के स्क्वायर का रूट होगा। ठीक, यदि मल्टीपल पॉइंट्स हैं तो इसके रिस्पेक्ट में हम इसको एनहेंस करते जाएंगे। ठीक, अब ये जो डिस्टेंस हमें मिल गई है, इस डिस्टेंस के बेस पे हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई एक डेटा पॉइंट जो है वो किस सेंट्रोइड के नियरेस्ट है, और जो नियरेस्ट सेंट्रोइड होगा उसके क्लस्टर्स में हम इसको असाइन करेंगे। और ये करने के बाद जब हमारे सारे पॉइंट्स गैदर्ड हो जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि भाई हमारे दो नियरेस्ट जो है वो क्लस्टर्स बन गए। अब इन क्लस्टर्स की जितनी भी डेटा पॉइंट्स हमने इसमें इंक्लूड्स किए हैं उन सब का हम एक एवरेज निकालेंगे, और उस एवरेज के बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा ये सेंट्रोइड कहाँ होना चाहिए। ये सेंट्रोइड आइडेंटिफाई होने के बाद हम इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे कि अब जो पहले हमने रैंडम लिए थे उसके बाद हमें थोड़े से एग्जैक्ट मिले, अब हम एग्जैक्ट के साथ फिर से वही स्क्वायर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, और फिर से क्लस्टर बनाएंगे, फिर क्लस्टर्स का एवरेज निकालेंगे और नया क्लस्टर फाइंड आउट करेंगे और फिर से उसकी डिस्टेंस निकालेंगे। ये प्रोसेस हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि हमारे जो सेंट्रोइड की वैल्यू है वो चेंज होना बंद नहीं हो जाती। इसका मतलब ये है कि अब हम कितने भी आइट्रेशन कर लें हमारा सेंट्रोइड फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अब ये क्लस्टर्स जो हमारे बने हैं ये फिक्स हैं, परमानेंट हैं, ये फाइनल क्लस्टर्स हैं, इसके आगे इसमें और मॉडिफिकेशंस के चांसेस नहीं है। इसी एल्गोरिथम को हम एक एग्जांपल्स के रूप देखते हैं। सपोज ये मेरा एक रैंडम डेटा सेट है जिसमें डेटा के जो पॉइंट हैं, डेटा पॉइंट्स हैं वो अलग अलग रैंडमली अवेलेबल है। मैंने ये दो सेंट्रोइड आइडेंटिफाई कर लिए स्टेप वन में। अब मुझे क्या करना है कि इन सेंट्रोइड से हर एक डेटा पॉइंट की मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा गिवन फॉर्मूला से। मैंने सारे नोट की इसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कैलकुलेट की और सारे पॉइंट्स की इसके रिस्पेक्ट में भी डेटा की डिस्टेंस कैलकुलेट की। ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के बेसिस पे मुझे पता चला कि भैया ये जो पॉइंट्स थे ये इसके साथ ज्यादा पास है
और ये जो रिमेनिंग पॉइंट्स थे ये इस सेंट्रोइड्स के ज्यादा पास हैं। अब यहां पे मैंने देखा कि ये क्लस्टर ये बन रहा है और ये क्लस्टर ये बन रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है कि इन क्लस्टर्स में जो अवेलेबल डेटा पॉइंट्स थे इनका एवरेज और इसका एवरेज, जब मैंने इन दोनों का एवरेज निकाला तो समहाउ वो जो एवरेज है वो यहां पे निकला। अब ये मेरे क्या है, नए सेंट्रोइड है। नए सेंट्रोइड के साथ अब मैं क्या करूंगा, फिर से इनकी डिस्टेंस कैलकुलेट करना शुरू करूंगा और डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद मैं फिर डेटा पॉइंट्स को असाइन करूंगा। तो अब मेरा जो नया क्लस्टर बनेगा वो कुछ इस तरीके का है। फिर से ये प्रोसेस रिपीट होगी। अब मैं फिर से इसका एवरेज निकालूंगा और मेरा सेंट्रोइड आइडेंटिफाई करूंगा और इस सेंट्रोइड के अगेंस्ट फिर से मैं सारी नोड्स का डिस्टेंस निकालूंगा और अब फाइनलाइज हो जाएगा कि ये दो मेरे क्लस्टर्स बन गए। अब मैं फिर से इनका एवरेज निकालूंगा तो ये एवरेज यदि सेम वही निकलता है जहां से मैंने इसको इनिशिएट किया था तब मुझे अब इससे ज्यादा आइट्रेशन की जरूरत नहीं है, बट यदि ये फिर से चेंज होता है तो ये प्रोसेस मुझे आइटरेटिवली तब तक करनी है जब तक कि मुझे ये सेंट्रोइड फिर से सिमिलर मिलने शुरू नहीं हो जाते, यानी इनको चेंज नहीं होना चाहिए। यदि ये चेंज हो रहे हैं मतलब मुझे एक और आइट्रेशन करना है, बट यदि ये चेंज नहीं होते हैं इट मीन्स मेरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, मुझे यहाँ पे रुक जाना चाहिए। तो ये है आपकी K-mean algorithm with example. अगला जो टॉपिक है that is association rules. Basically, associations rules की यदि हम बात करते हैं तो associations rules are if then statements. Simple शब्दों में यदि हम बात करें कि if there is a probability of event X, then there must be certain probability of Y too. यानी X और Y के बीच में कोई ना कोई relationship होगा, ठीक है। तो associations rules are if then else statements that helps to show the probability of relationship between data items within large data set in various types of database. Association rule mining की यदि हम बात करें तो ये रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है, किसी डेटा आइटम का रिलेशनशिप अमंग दी लार्ज डेटा सेट, तो इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक। इसका एक और रिजल्ट ये निकाल सकते हैं कि शो हाउ फ्रिक्वेंटली अ आइटम सेट अकर्स इन अ ट्रांजेक्शन, किसी ट्रांजेक्शन में कोई आइटम कितनी फ्रिक्वेंटली अपियर कर रहा है। ये बेसिकली हम यूज करते हैं मार्केट बेस्ड एनालिसिस पर्पस के लिए। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, सपोज एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि यदि मार्केट में कोई पर्सन ब्रेड परचेस कर रहा है तो उसके बटर परचेस करने के चांसेस कितने हैं। तो यदि कोई ब्रेड ले रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि वो बटर भी लेगा। सिमिलरली जैसे हमारे इंडियन ट्रेडिशन में होता है कि जब भी हम मार्केट में जाते हैं सब्जी बाजार वगैरह में जाते हैं तो यदि किसी पर्सन ने आलू और प्याज ऑनियन एंड पोटैटो परचेस किए हैं तो टमाटो परचेस करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ये फिक्स है, ये जो पैटर्न्स है ये बहुत कॉमन है, मैक्सिमम टाइम यही होता है। तो यदि आप ऑनियन और पोटैटो परचेस कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी अ टमाटो के आप टमाटो भी लोगे। तो ये क्या है, ये एक एसोसिएशन रूल है, आपको एक रिलेशन मिल रहा है कि यदि ऑनियन और पोटैटो लिया है तो ये बंदा टमाटो जरूर मिल लेगा। एक आपके लिए होप है कि भैया दो ये ले रहा है तो तीसरा आइटम जरूर परचेस कर सकता है। सिमिलरली यदि कोई बटर ले रहा है और ब्रेड ले रहा है तो शायद वो मिल्क भी ले, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी एक एसोसिएशन है, ठीक है। फिर एक और रिलेशन निकल के आ सकता है कि भैया ब्रेड यदि किसी ने लिया है, बटर भी लिया है और मिल्क भी लिया है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो एग्स भी ले। तो दीज आर दी फ्यू एग्जांपल्स हाउ एसोसिएशन रूल्स कैन वर्क। यदि हम पार्ट्स ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये मेरा एक एसोसिएशन रूल है, इफ आई परचेस अ ब्रेड देन possibility of purchasing butter is higher. यहाँ पे हमने दो percentage quote किए हैं, 20% and 45%. तो यहाँ पे जो bread है, वो incident है। यदि आप bread ले रहे हो, ये आपका event है। तो butter है आपका consequent। कि यदि आप bread ले रहे हो, तो butter लेने के chances हैं।
फिर 20% क्या है, 20% को हम कहते हैं सपोर्ट, दिस इज सपोर्ट। ठीक, सपोर्ट मींस प्रोबेबिलिटी दैट कंटेन्स बोथ ब्रेड एंड बटर। ये प्रोबेबिलिटी है कि यदि आपने ब्रेड लिया है तो आप बटर भी लोगे उसके साथ, इसको हम कहते हैं सपोर्ट। और इसके साथ दूसरा जो आता है आपका पार्ट्स, वो होता है आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या कहता है कि यदि आपने ब्रेड लिया है तो बटर लेने के चांसेस कितने हैं, मींस प्रोबेबिलिटी दैट अ ट्रांजेक्शन कंटेंस ब्रेड ऑल्सो कंटेंस अ बटर। यदि ब्रेड है तो बटर्स के चांसेस कितने हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं हम देखते हैं। तो यहां पे चार चीजें क्लियर हुई, इंसिडेंट, कॉन्सिक्वेंट, सपोर्ट और कॉन्फिडेंस। अब बात करते हैं कि ये जो परसेंटेज है वो कैसे आए। सपोज एज एग्जाम्पल हम सब लेते हैं सुपरमार्केट का एक एग्जाम्पल। हमने एक डेटा सेट लिया जिसमें हमने बात की कि भाई टोटल 100 ट्रांजेक्शन हुए सुपरमार्केट में और 20 लोगों ने जो है वो ब्रेड परचेस करी। तो ब्रेड का जो सपोर्ट है वो कैसे निकाला, टोटल थे मेरे 100, 100 में से 20 लोगों ने ब्रेड खरीदी। सो 20 डिवाइड बाय 100, यू डेटा सेट में टोटल काउंट 100 था, मल्टीप्लाइड बाय 100 टू फाइंड आउट दी परसेंटेज, टोटल क्या आया 20%। सो 20% इज सपोर्ट। अब इस 20% में से 9% ने जो है क्या परचेस किया, मिल्क परचेस किया। इन 20 में से 9 लोगों ने ब्रेड के साथ क्या लिया, मिल्क लिया। तो इस मिल्क की जो परसेंटेज है वो क्या है, 9 out of 20। यदि मैंने परसेंटेज निकाला तो 45%। ये क्या है, कॉन्फिडेंस, कि यदि कोई पर्सन ब्रेड परचेस कर रहा है तो ब्रेड के साथ मिल्क परचेस करने की कॉन्फिडेंस कितना है। कि यदि 20 में से 9 लोग ले रहे हैं यानी एग्जिस्टिंग 20 ब्रेड कैटेगरीज के साथ 45% जो है वो मिल्क परचेस होने के चांसेस हैं। आपको यदि कंफ्यूजन लगता है तो मिल्क को आप बटर से रिप्लेस कर लो, कि भाई ब्रेड यदि ले रहे हैं 20 लोग तो बटर जो है वो 9 लोगों ने लिया हुआ है। अगला बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसोसिएशन रूल्स की। तो एसोसिएशन रूल्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। पहला है सिंगल डायमेंशनल एसोसिएशन रूल, जिसमें आपकी सिंगल डायमेंशंस एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे जो ब्रेड और बटर है इनको हम नॉर्मली प्रेडिकेट्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे सिंगल प्रेडिकेट्स होगा। अब आप बोलेंगे कि सर ये ब्रेड और बटर दो अलग अलग प्रेडिकेट्स हो गए, नहीं, सिंगल प्रेडिकेट्स है क्योंकि इनके बीच में एक ही रिलेशन आएगा, एक ही डायमेंशन आएगी, दैट इज बाइंग। यदि किसी ने ब्रेड लिया तो उसने बटर ले लिया, इस तरीके का जो एसोसिएशन रूल होता है उसको हम कहते हैं सिंगल डायमेंशन। यहाँ पे डायमेंशन जो निकल के आ रही है वो सिंगल है, बाइंग। दूसरा है मल्टी डायमेंशनल एसोसिएशन रूल, जिसमें दो या दो से ज्यादा प्रेडिकेट्स और डायमेंशंस होती हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज किसी का ऑक्यूपेशन यदि आईटी है और उसकी जो उम्र है 22 ईयर्स से ज्यादा है और ये दोनों चीजें यदि मैच होती हैं तो एक थर्ड प्रायोरिटी जनरेट हो सकती है या थर्ड डायमेंशन जनरेट हो सकती है कि भाई वो जो है वो लैपटॉप जरूर परचेस करेगा। रीजन, आईटी ऑक्यूपेशन है यानी बिना कंप्यूटर के आपका काम नहीं होगा। एज 22 प्लस है, मतलब आप रिसेंटली पास आउट हुए हो तो आपके लैपटॉप परचेस करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे डायमेंशन की बात करें तो ऑक्यूपेशन है, एज और बाइंग, 3 डायमेंशन इन्वॉल्व हो रही है, इसलिए हम इसको मल्टी डायमेंशनल एसोसिएशन रूल कहते हैं। तीसरा है आपका हाइब्रिड डायमेंशन एसोसिएशन रूल। ये भी सिमिलर टू मल्टी डायमेंशन एसोसिएशन रूल है, बट मल्टी डायमेंशन एसोसिएशन रूल में प्रेडिकेट्स या डायमेंशंस रिपीट नहीं हो सकती, बट हाइब्रिड में आप जो है वो डायमेंशंस या प्रेडिकेट्स को रिपीट कर सकते हो। जैसे यदि टाइम 5 बजे का है और किसी ने चाय खरीदी है तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि भाई वो बिस्किट भी खरीदेगा। अब यहाँ पे ये जो वाइज डायमेंशन है वो देखिए 2 बार आई है, ये मल्टी डायमेंशंस में अलाउड नहीं है। ये किसमें अलाउड है, सिर्फ हाइब्रिड डायमेंशंस में।
ठीक है, तो हमने तीन तरीके के देखे, सिंगल डायमेंशन एसोसिएशन रूल जिसमें सिंगल डायमेंशन होती है, मल्टी डायमेंशन जिसमें दो से ज्यादा प्रेडिकेट या डायमेंशन होती है, और हाइब्रिड डायमेंशन जब सेम प्रेडिकेट या डायमेंशन रिपीट होता है तब हम उसको कहते हैं हाइब्रिड डायमेंशन। फील्ड्स एसोसिएशन रूल जो है वो हम कहां कहां यूज कर सकते हैं, इनका यूज किया जा सकता है आपका बेब यूजेस माइनिंग में, बैंकिंग में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, मार्केट बेस्ड एनालिसिस जिसका एग्जांपल तो हमने अभी देखा ही है, साथ में क्रेडिट डेबिट कार्ड एनालिसिस, जो जब भी हम क्रेडिट या डेबिट कार्ड की साइट्स पे लॉगिन करते हैं तो एक स्पेंड एनालाइजर करके वो हमें देते हैं, वो स्पेंड एनालाइजर कुछ नहीं बस ये एसोसिएशन रूल माइनिंग के बेसिस पे जनरेट किया हुआ रिकॉर्ड है। इसके अलावा प्रोडक्ट क्लस्टरिंग और कैटलॉग डिजाइन में भी एसोसिएशन रूल्स का यूज किया जाता है। तो ये था हमारा एसोसिएशन रूल माइनिंग में, यहाँ पे हमारी यूनिट 3 कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो।